अस्सलामुअलैकुम माय क्यूरियस फेलोज, हैप्पी न्यू ईयर 2023। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है बायोइनफॉर्मेटिक्स से हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमओई को, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को, जिसके जरिए हम कर सकते हैं क्या डॉकिंग, यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो केमिस्ट्री या केमिकल से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको डिफिकल्टीज आती है अडॉक वीना के ऊपर, क्योंकि वहां बहुत से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है। जबकि इसमें एमओई में आपको सिर्फ जस्ट एक एमओई को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये तमाम के तमाम रिजल्ट जो एक ही पेज के ऊपर आपको दिखाएगा। आइए देखते हैं एमओई कैसे काम करता है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एमओई का होम पेज, यानी कि गूगल पे आप सिंपल लिखें एमओई तो आपको इस पेज के ऊपर वो ले आएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स। किसके मॉलिक्यूल? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पेप्टाइड्स हैं, उनकी जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें इसकी जो है वेबसाइट को, तो आपको यहाँ तमाम के तमाम ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप इसके ऊपर एमओई के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स डॉकिंग करा सकता है, स्ट्रक्चर बेस्ड डॉकिंग करा सकता है, लाइगेंड बेस्ड करा सकता है, डीएनए आरएनए की मॉडलिंग करा सकता है, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और मैं आपको एक चीज और वेरी क्लियर बता दूं कि एमओई जो है ये दो तरह की डॉकिंग करता है, यानी कि सिंगल कंपाउंड की सिंगल प्रोटीन के साथ रिसेप्टर के साथ, या मल्टीपल कंपाउंड की लाइब्रेरी की फॉर्म में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डाटा सेट बना सकते हैं, उसको सेम के साथ डॉक भी कर सकते हैं। और फिर हमें ये डॉक रिजल्ट देगा दो दो पोजेस में, जो कि पहले ऑटोडॉक वीना या बाकी कोई और टूल नहीं देता, ये इसकी स्पेशलिटी है। इससे पहले कि हम जाएं फर्दर इसकी जो है वो डॉकिंग को ऑपरेट करने में, यहां से आपने डाउनलोड पे जाके जो है इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए इसका आइकन इस तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। इससे पहले कि हम इसकी जो है डॉकिंग स्टार्ट करें, हम पहले मूव करते हैं कि हमने आज जो सेलेक्ट की हुई प्रोटीन वो कहां से लेनी है, वहां पीडीबी से लेते हैं। आपको पता है वहां पे आपको सिंपल लिखे आगे पीडीबी आईडी 169U, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ग्लूकोज डी हाइड्रोजिनेज की, तो यहां आप डाउनलोड पे आए और इसकी पीडीबी फॉर्मेट में इसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। अब हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन आ चुकी है। नेक्स्ट टास्क इज दैट कि हमने क्या लेना था, लाइगेंड। तो लाइगेंड हम कहां से लेते हैं, पबकेम के ऊपर अगर ऑलरेडी नोन लाइगेंड्स हैं, तो इस प्रोटीन का लाइगेंड मुझे ऑलरेडी पता हुआ है PQQ2, तो मैंने PQQ को जहां से जो है वो डाउनलोड कर लेना। ये देखिए उसको मैंने उसको ओपन किया पबकेम पे, तो यहां पे जहां डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएं और यहां आपने उसकी STF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब जरा हम दोबारा डेस्कटॉप पे आते हैं, ये देखिए हमारे पास 169U PDB फॉर्मेट में प्रोटीन भी आ चुकी है और PQQ जो है हमारा लेगेंड वो भी यहां पे आ चुका है। अब हमारे पास वो दोनों चीजें अवेलेबल जिनके हमें डॉकिंग करनी है। हम आगे मूव करें कहां पे, हमारे पास जो है एमओई के ऊपर, जैसे इसको क्लिक करें, जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसका जो होम पेज ओपन होगा। वेरी सिंपल होम पेज है। अगर इसको आप देखें कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि आप इसको क्यों ज्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ऑटोडॉक वीना। ऑटोडॉक वीना में बहुत सी चीजें जो है वो डाउनलोड करके और उसको जो है फिर आके इंटीग्रेट करना पड़ता है डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर, यानी कि प्रोटीन की प्योरिफिकेशन कहीं और से होती है, लाइगेंड की प्योरिफिकेशन कहीं और से होगी, जबकि यहां पे सब कुछ जो एक ही पेज के ऊपर होगा। तो दैट्स व्हाई लोग जो है एमओई को ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी डॉकिंग के रिजल्ट भी ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। आप जब ये सब कुछ हो चुका तो अब हमारे पास जो हम जाएंगे किसके ऊपर, फाइल के ऊपर। फाइल पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर ओपन के ऊपर। जैसे ओपन पे आएंगे तो हम जाना कहां पे, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे आ जाएं तो यहां पे हमारे पास जो है 169U के ऊपर आ जाए, जो हमने प्रोटीन ऑलरेडी इसकी की हुई थी जिस वन, और इसको यहां पे ओके करके इसको ओपन कर लें। जैसे ओपन करेंगे सबसे पहले आपसे ये पेज पूछेगा पीडीबी से, तो जाहिर बात है मैंने बताया वहां डिस्कवरी स्टूडियो को यूज कर, यहां डिस्कवरी स्टूडियो नहीं हमने यूज करना, यहां पे हमारे ऑप्शन अवेलेबल है इग्नोर, हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल देंगे और बाकी जितने भी हेटेरो मॉलिक्यूल है वो भी यहां से हम इसको निकाल देंगे। इसको आपने चेक कर देना ताकि वो यहां से रिमूव हो जाए, ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा, हमें प्रोटीन को प्रिपेयर करने की सेपरेट जरूरत है ही नहीं यहां पे, और जस्ट क्लिक कर दे ओके के ऊपर। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है, आप अपने माउस इसको जो है वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास इसका जो है जो पूरी प्रोटीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, दोस्त की जो चेन्स हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फुटबॉल का शेप आपके सामने नजर आ रहा है, एक शेप बनी हुई है, ठीक है। जैसे आप इस शेप को घुमाओगे तो ये प्रोटीन आप किस तरीके से मूव करेगी, लाइक दैट दिस वन। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसकी कौन सी डायरेक्शन देखनी, इसको 3D आपको दिखाएगा ये। इससे पहले कि हम फर्दर डॉकिंग पे जाए, आपने जाना है एडिट के ऊपर। जैसे आप एडिट के ऊपर आएंगे तो आपने करना है बिल्ड। आप बिल्ड और सोच रहे हैं कि क्या करना है बिल्ड के ऊपर जाके, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। कौन से हाइड्रोजन? पोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब नॉर्मल जब भी हम किसी भी चीज की डॉकिंग कराते हैं, किसी प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें एटलीस्ट जो है हमें जो इंट्रक्शन के लिए हमें पोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। देखिए यहाँ पे पोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो चुके हैं, जैसे जूम इन करेंगे आपको ये सारे नजर आएंगे। इसके बाद आपने जाना कहाँ पे, सेलेक्ट के ऊपर। सेलेक्ट के ऊपर जाके आपने इसको क्या सेलेक्ट करना है, रिसेप्टर, क्योंकि हमारा रिसेप्टर है प्रोटीन है, उसको पहले हम एज ए रिसेप्टर लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम एज ए रिसेप्टर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा सारे का सारा, ये हमारे पास क्या आ गया, रिसेप्टर बन चुके हैं अभी ये। जैसे हमारे पास ये रिसेप्टर बन जाए तो हमने दोबारा जाना है सेलेक्ट के ऊपर, ठीक है। और सेलेक्ट के ऊपर जाके हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल पे जाके इसको फिक्स कर देना है, ताकि ये हमारे पास ये रिसेप्टर फिक्स रहे हमारे पास। अब ये हमारे पास जो रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन जो रेडी है फॉर इंट्रक्शन। अब हम वो कहाँ करेंगे, कंप्यूट के ऊपर। जैसे हम कंप्यूट के ऊपर जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, साइट फाइंडर, यानी कि एक्टिव साइट को फाइंड करना है। तो आप जस्ट क्लिक करें साइट फाइंडर्स। जैसे आप साइट फाइंडर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से इसका पेज आएगा, उसको आप निकाल देना अप्लाई।
जैसे हम अप्लाई करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड जो है आपको यहाँ आपको साइट ये फाइंड करके देगा। तो ये देखिए पूरे टेबल में इसके सारी सारी साइट्स आ चुकी है, ना सिर्फ साइट्स आ चुकी हैं बल्कि फर्दर उसका साइज भी आ चुका है, कितने उसमें माइनस सेट्स हैं और सारे माइनस सेट की लिस्ट उसका नंबर भी आ चुका है। तो जो सबसे बड़ी साइट होगी साइज में जैसे 221 वाली है जिसको हमने सेलेक्ट करना, ऑलरेडी हमारे पास ये सेलेक्ट है जिसको इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये सारी वो साइट सबसे बड़ी यहाँ पे नजर आ रही है, ये वो एक्टिव साइट है जहां पे आके हमारा लॉगिन जो है इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको क्या कर देना, इसको आपने क्लिक डमीज, इसको डमीज बनाना, आपने यस कर देना डमीज को ताकि ये हमारी साइट जो है इसकी सेपरेट डॉक्यूमेंट में करके दिखाए, और आपने फिर क्या कर देना इसको अप्लाई। अब ये इसके ऊपर जो अप्लाई ये साइट हमारे पर अप्लाई हो चुकी है, इसको कर देना क्या मिनिमाइज। अब हम दोबारा जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर के ऊपर जाने के बाद साइट फाइंडर तो हमने देख लिया यहाँ पे, अब हम मूव करें कहाँ पे डॉक के ऊपर। जैसे डॉक के ऊपर आएंगे तो ये हमारे पास तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने दो चेंजेस करनी होगी, आपने जो हमारे लाइगन के एटम्स हैं इनको आपने डमी एटम कहने, क्योंकि हमने सिर्फ इसके रिसेप्टर के एटम को यहां से सेलेक्ट किया, और फिर आपने जो हमारा लाइगन है वो किस फाइल में अवेलेबल है, वो एसटीएफ फाइल में अवेलेबल, उसको यहां सेलेक्ट कर लेना है। जब आप करेंगे सेलेक्ट इसको तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा उसको अपलोड करने का, तो क्लिक करें इस फोल्डर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं, और यहां पे पड़ा होगा हमारे पास हमारा जो है वो पीक्यूक्यू, देखिए एसटीएफ फाइल में, इसको ओके कर दें। इस तरीके से ये देखिए हमारा लाइगन यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस लाइगन के ये पाथ ये भी आ गया। फर्दर अगर आप इन तमाम रिजल्ट को सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको जो है वो आउटपुट का फॉर्मेट भी यहाँ पाथ दे सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे जो है आर पे डॉक एमडी भी लिखना होगा, और उससे पहले पहले आपके पास क्या सारी चीज आनी चाहिए, हमारा पूरा पाथ आना चाहिए। तो आप सिंपल इसको डेस्कटॉप का पाथ दे दें, अपने रिजल्ट को अगर सेव करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप, ओके, अब इस तरीके से करके, और उसके बाद हमारे पास आएगा डॉक डॉट एम डी पी, तो ये हमारी डॉकिंग इस तरीके से भी हमारे पास जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से फिर पोजेस आपको बता दूं, कितने ज्यादा पोजेस की जरूरत नहीं होती कि हम अगर हमें पता है हमारी एक्टिव साइट है तो हम उसके अंदर एक या दो पोज दें तो उससे हमारा जो है वो रिजल्ट और एक्यूरेट होंगे। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा सिर्फ दो पोजेस। ठीक है, दो पोजेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसको मैंने थोड़ा सा ट्रैक कर दिया क्योंकि मैंने आपको दिखाना यहाँ पे साइट व्यू। जब जैसे आप साइट व्यू देखिएगा आपको वेरी क्लियर नजर आएगा, इसको जूम इन करके सिर्फ दिखाएगा ये हमारी एक्टिव साइट जहां हमें रन करना है। जस्ट क्लिक ऑन साइट व्यू, ये देखें उसने इसको जूम इन करके जस्ट हमें साइट व्यू दिखा दिया कि ये हमारे पास जो आपको रेड एंड व्हाइट बॉल नजर आ रही है ये हमारे पास एक्चुअल क्या, हमारे पास इसकी जो है टारगेट साइट है या एक्टिव साइट है जहां पे आके हमारा लेगेंड जो है वो आके लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपने कर दिया उसके बाद आपने क्या लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या रह गया, वो है रन का। जस्ट क्लिक करना है रन के ऊपर और आपने कर देना इसको यस, तो ये देखिए हमारी डॉकिंग जो है इस तरीके से वो रन होना शुरू हो गई है। नीचे लोग मिनिमाइज कर दें और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब जरा गौर से आपने इस विंडो के ऊपर आना और यहाँ पे देखिएगा जहाँ डॉकिंग प्रिपेयरिंग द रिसेप्टर आ गया पहले हमारे पास, नीचे उसके डॉकिंग की जो है वो उसकी जो इंटरप्रेशन जो रन होना शुरू हो जाएगी। विद इन अ वन मिनट जो है ये आपको डॉकिंग रिजल्ट जो है इस विंडो के ऊपर देगा विद एनर्जीज, ये हमारे पास सारी सारी एनर्जी आपको शो होगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपको ये वेरी क्लियर यहाँ बताएगा कि कहाँ कहाँ आपके लेगन जो है आके लगेगा, उसके पोजेस क्या क्या हैं। हम इसका वेट करते हैं अभी, ये देखिए आपको लेगन यहाँ पे शो होगा कहाँ फिट हो रहा है, ये दोनों पोजेस उसके हैं, ये हमारे लेगन दिखा रहा है आपको, उसके दोनों पोजेस यहाँ पे उसने दिखाए हैं। जैसे पहले आपको ये पोजेस उसके दोनों दिखाएगा इस जगह पे हमारा लेगन लग रहा है, और साथ हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखें रिजल्ट हमारे पास डॉकिंग के आ चुके हैं। ठीक है, ये उसका हमारे को वेट आ गया, और यहाँ पे देखें हमारे पास उसकी जो दोनों पोजेस के दोनों की एनर्जी यहाँ पे आ गई -6.29 जो कि एक अच्छी एनर्जी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लेगन और सेप्टर के दरमियान बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है, तो इस तरीके से हमें उसकी ये एनर्जी दे देगा। ओके जी, अब हमें यहाँ पे जो है हमें पता चल गया हमारी एक्टिव साइट कौन सी है, हमारा लेगन कहाँ जाकर लग रहा है, उसका पोज दोनों में नजर आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है इस टेबल में देखें तो हमें यहाँ पे इसकी एनर्जीज मिल गई। ठीक है, जिनको हम फर्दर आगे जो है कोट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में और थीसिस में। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने अगर जो है लाइगेंड का और रिसेप्टर के दरमियान जो इंट्रैक्शन हुई है उनके रेजिड्यू को देख सकते हैं, उनका 2D देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है विद इन अ फ्यू सेकंड। हमें डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट क्लिक करें कंप्यूटर के ऊपर और वहां पर कंप्यूटर पर आपने क्लिक करना आके लॉगिन इंट्रैक्शन पे। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए हमें उसका 2D का जो है वो सारी सारी उसकी फिगर दे देगा, जहां पे ना सिर्फ प्रोटीन के अमाइनो एसिड अवेलेबल है और साथ साथ हमारे लॉगिन की जो है वो सारी शेप यहां पे अवेलेबल है, और ये बताया किस किस रेजिड्यू के ऊपर हमारा लॉगिन कहां कहां कैसे कैसे अटैच करता है। और अगर आप इसको मैक्सिमाइज करें तो यहां पे देखें नीचे उसने सारी डिटेल्स की दे दी है, पोलर कौन से बांड है, बेसिक कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहां पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाली फिगर जो है सबसे बेस्ट होती है हमारे जो है वो आर्टिकल्स के लिए फिर या हमारे जो थीसिस के लिए, जहां पे हमारे पास कंप्लीट इंट्रक्शन आ रही होती है। और फर्दर अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके, ठीक है, तो इसको जो है आपने जेपैग में या जिस भी पीएनजी फाइल में आपको ये चाहिए उस पे उसको आप सेव भी कर सकते हैं। ओके जी, अब इन तमाम डॉकिंग स्टेप्स को सुनने के बाद, और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम के तमाम ऐसे स्टूडेंट जो बीएस के हैं या एमएस के हैं या पीएचडी में भी हैं या कोई ऐसे टीचर जो बायोफॉर्मेटिक्स में डॉकिंग को सीखना चाह रहे हैं, तो एमओई से बेस्ट टूल कोई नहीं होगा आपकी लर्निंग के लिए, ना सिर्फ लर्निंग बल्कि आपको फर्दर इसके ऊपर जो अपने रिजल्ट्स देने के लिए। गुड लक विद योर रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉकिंग एंड गुड लक विद योर सर्विस बायोफॉर्मेटिक्स।